कौवाबाग अंडरपास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान निर्माणाधीन अंडरपास से मोहद्दीपुर और रेलवे स्टेशन की तरफ आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मोहद्दीपुर ओवरब्रिज और धर्मशाला ओवरब्रिज पर जाम की समस्या बराबर बनी रहती थी। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन से मोहद्दीपुर की तरफ जाने के लिए राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। राहगीरों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा वैकल्पिक रास्ते को खोल दिया गया। वैकल्पिक रास्ते के खुलने से धर्मशाला ओवरब्रिज और मोहद्दीपुर ओवरब्रिज पर राहगीरों का आवागमन कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। रास्ता खुलने के समय की बचत के साथ साथ राहगीरों के सफ़र की दूरी भी कम हुई। राहगीरों ने कहा कि रास्ता बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, रास्ता खुल जाने से सहूलियत हो गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए राहगीरों ने कहा, ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? चार फाटक से आ रहे हैं और हमको जाना है जाफरा बाजार जा रहे हैं। कितना सहूलियत मिला इसे? बहुत सहूलियत सर मिला। उधर जाते थे मोहद्दीपुर के चौराहे तरफ जाम से फंस जाते थे, ये खुलने से बहुत फायदा हुआ है और आने जाने में सुविधा बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या नाम? हमारा नाम है मिठूलाल। मिठूलाल जी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मोहद्दीपुर। अच्छा, ये रास्ता बंद था, ये खुल गया है। हाँ, तक देखते हुए तो फायदा बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, तो हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया हो गया है रास्ता खुलने से। हम लोग वैसे घूम कर आना पड़ता था, अब सीधे स्टेशन से तुरंत निकल आते हैं मोहद्दीपुर। हाँ, प्रदीप चौरसिया। प्रदीप कहाँ जा रहे हो? जी जा रहे हैं पीएससी किट। अच्छा, ये रास्ता बंद था, अभी खुल गया, कितना फायदेमंद है? अभी तो बहुत सही है, अभी जाने आने के लिए बहुत पहले बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी फिलहाल में। इधर से पहले जाते थे? पहले तो जब मोहद्दीपुर होके जाते थे, अब इधर से खुल गया है, बन जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, जितना जल्दी हो सके बन जाए बढ़िया रहेगा।